मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में होली के पहले भोंगरिया लोक पर्व मनाया जाता है। खरगोन जिले में लगभग 20 प्रमुख आदिवासी क्षेत्रों में भगोरिया मनाते हैं। युवक युवतियां, बच्चे बुजुर्ग महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर भगोरिया में शामिल होती हैं। कहते हैं कि मेले में अविवाहित युवक युवतियाँ अपने जीवन साथी का चयन भी कर लेते हैं, इसीलिए इसे इश्क का मेला भी कहा जाता है। आपको बता दें कि 18 मार्च से 24 मार्च तक खरगोन के विभिन्न गांवों में भगोरिया हाट बाज़ार लगेंगे। इन 7 दिनों में जिस जिस गांव में हाट बाज़ार लगता है वहां भगोरिया मनाते हैं। खास तौर पर जनजाति समुदाय के लोग इन मेलों में शामिल होते हैं और होली की खरीदारी करते हैं। भगोरिया में बड़े बड़े ढोल, बांसुरी की धुन और पारंपरिक वेशभूषा सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहती है। जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर गांव कावरी के रहने वाले बारेला समुदाय के सुंदरलाल ने लोकल एटिन को बताया है कि भगोरिया हाट बाजार में घर के सभी लोगों को आने जाने की अनुमति रहती है। मेले में सभी लोग अपने रिश्तेदारों को पान खिलाते हैं, गुलाल लगाते हैं, ढोल की थाप पर नाचते हैं, झूमते हैं, कुर्राटी मारते हैं। वे बताते हैं कि अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद है और वो इस मेले में लड़की को पान खिला दे, लड़के का दिया हुआ पान लड़की खा ले, तो शादी के लिए हाँ मानी जाती है। इसी प्रकार अगर कोई लड़का किसी लड़की को गुलाल लगा दे, बदले में लड़की भी गुलाल लगा दे, तो दोनों की हाँ मानी जाती है और दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। वहीं मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर गाँव भगवानपुरा के रेजला एवं दिनेश भूरिया बताते हैं कि बारेला समुदाय के कई लोगों ने इस तरह भाग कर विवाह किया है। आज भी प्रेमी जोड़े भाग जाते हैं, लेकिन दोनों की शादी तभी मुमकिन है जब दोनों एक ही जाति के हों। अन्य जाति के होने पर शादी नहीं होती है, साथ युवक को दंड स्वरूप कुछ रुपए भी चुकाना पड़ते हैं। पहले अब तो नहीं ऐसे करते, पर पहले ऐसे करता थे। कोई पान खिला देते तो भाग जाते, गुलाल लगा देते तो उसका साथ भाग जाती है। अच्छा। ऐसे अब तो नहीं, बाकी का शादी कर लेते थे कि मतलब फिर परिवार आपस में बैठते थे और फिर नहीं, फिर बाद में बैठ के उसके बाद विचार भी कर लेते, उसका देश जिले तो भी देने लायक हो जाता। होली के पहले जो तैयारी रंग गुलाल वगैरह के लिए जो सामग्री खरीदने के लिए जो बाजार लगता है उसमें हर समाज के लोग जाते हैं, परंतु आदिवासी अंचल में बारेला समाज जहाँ रहता है वहाँ पर वो संख्या ज़्यादा रहती है और कहीं ना कहीं जो युवा युवती रहती उनकी पहले से कोई प्लानिंग रहती है और प्लानिंग होने के कारण से अगर वो देख ले कि यार भीड़ भड़क्का ज़्यादा है और वहाँ पर अगर वो कोई चले गए तो उसको एक प्रकार से उसको इस प्रकार से पेश किया गया कि यार वहाँ पर इस प्रकार से ऐसा होता है कि गुलाल लगाने से कोई अनजान व्यक्ति को कोई गुलाल लगा के इस प्रकार से घटना नहीं कर सकता या ऐसी कोई नहीं होता है, इस प्रकार से भ्रम है। जान पहचान रहती है, पहले से परिचित होता है या दोनों की राजी मर्जी होती है पहले से और वो उसको एक माध्यम बना लेते हैं। जो नया लड़का लड़की होते हैं एक तो तैयार व्यार होकर के जाते हैं और मतलब वहाँ पर एक तो पसंद भी कर लेते, बाद में शादी हो जाती है, ऐसा होता है। कोई कोई कह जाता है, पर ऐसा तो नहीं होता है अपना, मतलब किसी किसी का हो जाता है, मतलब तय हो जाते हैं। ये वो भंगेरम जाता है ना, उसको कभी तिवारी हो जाती है तो राजी मर्जी से तो उनको हो जाता है, हो जाता है। जैसे कुछ देखते भाग जाते तो वो क्या रहता है, हो जाता फाइनल, उसका फाइनल लेना लेना कही जाता है, पैसे वगैरह लेके देश लगता नहीं हमारा। क्या क्या होता है जैसे बहुत सारे लोग जो है भगोरिया में से भग भी जाते, उनका क्या होता है? कहीं नहीं, अपने अपने जात में होते तो रहते उस समय में आदिवासी होना तो हमारी जात में जम जाते, समझ लो दूसरी जात में जाना चाहिए पूरी बात, मतलब अगर समाज के है समाज के तो चल जाता है। हाँ, तो सब समाज के हिसाब से हो जाता है, लेना देना कर लेते हैं। कहीं भी हमारे में दहेज लगता है, वो जो भी रीति रिवाज कर लेते हैं, मतलब देखते हैं कि कोई अगर पान खिला दे, गुलाल लगा दे तो मतलब जो नहीं, कहीं नहीं चलता रहता वो तो, वो रीति रिवाज है, सब सदियों से चलता आ रहा है वो तो, कहीं नहीं कहीं गुस्सा नहीं मानते उसमें। जैसे एक तरह से ये भी इसको देखते हैं कि मतलब जो इस समय मेले में है सबको छूट रहती है, छूट रहते हैं, घूमते फिरते हैं, छूट रहती है, छूट रहती है, अपने मनपसंद वर वधु को चयन भी वहाँ पर कर लेना, पसंद कर लेते ना, ये भी होता है। इसी गांव के नकुल खोड़े ने लोकल लैटिन को बताया है कि उन्होंने भी 4 साल पहले इसी प्रकार भाग कर शादी की थी। मेले में अपनी पत्नी सरुबाई को पान भी खिलाया और गुलाल भी दोनों ने लगाया था। 1 महीने के बाद दोनों ने भाग कर शादी कर ली थी। हालांकि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, भाग जाने के बाद दोनों के परिवारों ने सामाजिक रीति रिवाज निभाए, समाज के नियमों के तहत लेन देन भी हुआ। इसके बाद मामा ने उन्हें सूचना देकर घर बुलाया।
अब दोनों साथ में रहते हैं, खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हाँ हुई थी, ये प्यार था, उस पहले मुलाकात हुई, मोगरा में घूमे साथ में, गुलाल वगैरह लगाए साथ में, गए लस्सी खाई की, हंस घूमे बैठे, हाँ झूले में बैठे। उसके बाद एक महीना चला लेवेस्टी, फिर लेवेस्टरी में, फिर एक महीने बाद भाग गए। हाँ शादी कैसे हुई? शादी तो हमने बाहर ही की थी, बाहर ही कर ली। लोकल 18 के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।